आज दोनों सदन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर चर्चा के वक्त विपक्ष की ओर से सीए और आरसी के मुद्दों पर विपक्षी दलों की ओर से शोर शराबे देखने को मिले, जिसके कारण संसद की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग वाली केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हर घर जल पहुंचाने की केंद्र सरकार की तारीफ की है। महामहिम ने जल की महत्ता पर कहा है कि सरकार ने अटल भूजल योजना के जरिए देश के सात संकट राज्यों के लोगों तक जल पहुंचाने की शानदार पहल की है। प्रदेश में पिछले चार दिनों में पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 108 सदस्यों को गिरफ्तार किया। राज्य के अंतरिम पुलिस महानिदेशक ने कहा कि 25 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मेरठ से हरियाणा बॉर्डर बाया बागपत राष्ट्रीय राजमार्ग की फोर लेन बनाने का शिलान्यास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह ने किया। इसकी लागत 371 करोड़ रुपए है और ये 43.78 किलोमीटर लंबा है। बरेली के संजय नगर में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले एवं ईएमआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने किया। आरोग्य मेले में निःशुल्क जांच एवं इलाज की सुविधा दी गई। हाथरस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवकों ने नगर में विशाल पथ संचलन निकाला। चंदन तिलक लगाकर और हाथों में दंड लेकर समान गति से पंक्तिबद्ध होकर चल रहे बाल स्वयंसेवक सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा के कार्यक्रमों से लेकर ब्लड डोनेशन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों में नागरिक सुरक्षा प्रखंड अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। लखनऊ में प्रमुख सचिव सिविल डिफेंस राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। लखनऊ में 5 फरवरी को शुरू हो रहे डिफेंस एक्सपो की तैयारियां अंतिम चरण पर है, जहां एक और मुख्य कार्यक्रम वृंदावन में होगा। वहीं गोमती रिवर फ्रंट पर भी भारतीय नौसेना के जवान अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ. सतीश चंद द्विवेदी ने सोनभद्र में जन आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। जिले के केकराही स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि हर गरीब के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस पर आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे सूर्य सरोवर पक्षी विहार में यूपी बोर्ड के फेस्टिवल मनाया गया और पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री दारा सिंह और पर्यावरण जलवायु राज्य मंत्री अनिल शर्मा द्वारा बर्ड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। गाजीपुर लटिया गांव के स्थानीय नागरिकों में सम्राट अशोक की लाट के कारण प्रसिद्धि मानी जाती है। सम्राट अशोक एवं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए लटिया गांव में आज श्रीलंका जापान एवं भारत के अनेक बौद्ध भिक्षु तथा विद्वत जन उपस्थित हुए। अम्बेडकर नगर जिले के ग्रामसी इंटरनेशनल एकेडमी में नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में एक नई पहल के तहत रेलवे में स्टेशन पर स्थित रनिंग रूम परिसर में बायोडिग्रेडेबल प्लांट तैयार किया गया। इस प्लांट से बेकार खाद्य पदार्थ खाद में तब्दील हो जाता है, जो पौधों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।